नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ। खरगोन जिले के महेश्वर तहसील में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने नायब तहसीलदार राहुल डावर को टप्पा कर रही में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें उनके पास सूत्रीय मांगों को लेकर सभी स्कूल संचालक इकट्ठा हुआ है। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने कहा, विशेष सूत्रों से पता चला है, शासन ने आदेश जारी किया कि बिना टीसी निकले अगर कोई पालक अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो वह सरकारी स्कूल में भर्ती कर सकते हैं। संचालकों ने कहा कि ऐसे में हमारी जो पालकों पर बकाया स्कूल फीस बाकी है, वे लोग हमें पैसे देंगे ही नहीं, और इस कोरोना काल में हम भी आर्थिक रूप से तंगी से जूझ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, हमारी भी मांगे मानी जाएं और हमें भी सभी प्रकार के टैक्स फ्री किया जाए और 9 साल से रुका हुआ हमारा आरटीई का पैसा भी दिया जाए, और जब शासन हमें बच्चे ऑनलाइन देती है तो फिर ओटीपी की क्या आवश्यकता है। स्कूल वालों का काम केवल इतना होना चाहिए कि सिर्फ बच्चे की उपस्थिति और प्रतिशत डालना चाहिए, नहीं दिया जाए। आरटी की फीस हमारी लगभग 2011-12 से बाकी चल रही है, तो हमारा यह है कि वो आरटी की फीस भी दी जाए जल्द से जल्द। और अभी पोर्टल बंद कर दिया गया है, पिछले सत्र की फीस बाकी है, तो वो भी हमारा निवेदन है कि वह आरटी की फीस तत्काल जो है प्रतिपूर्ति के लिए जल्द से जल्द उसको दिया जाए। कोरोना महामारी के कारण स्कूलें बंद है, आर्थिक स्थितियाँ खराब है, इसलिए हमारी सब स्कूल संचालकों की मांग है कि हमें कुछ भी आर्थिक मदद दी जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आज 12 जुलाई से ही हमने संपूर्ण मध्य प्रदेश में ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासें बंद कर दिए, और कल से हम हमारी स्कूलों की चाबियां जिला शिक्षा अधिकारी महोदय या आयुक्त महोदय भोपाल को सौंपेंगे। आपने अभी तक टीएनटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।